शिष्य जी, मैं आज तक अपनी जिंदगी में इतना शर्मिंदा नहीं हुआ जितना आज फील कर रहा हूं। शिष्य जी, मैं आज आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कैसे पाला है आपने अपने बच्चे को? मेरी बेटी के साथ उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, फिर भी वो झूठ बोलकर कश्मीर गया है उस झनक की शादी तोड़वाने। अर्शी और सृष्टि बोस परिवार पर परवरिश के नाम पर और उंगली उठाने में भला देर कैसे कर सकते हैं, जब वो शुभ और तनुजा को उनके परवरिश पर उठाते हैं सवाल कि उनका अनी तो बखूबी झूठ बोलकर निकल जाता है हर बार झनक के लिए, पर जहां किसी को भी ये अंदाजा नहीं कि उनकी प्लान को कोई कान लगाकर सुन रहा है और वो है छुटौन, वहीं सृष्टि अब अपना अगला प्लान रखती है सबके सामने कि वो दोनों तो श्रीनगर जा ही रहे हैं अन्नी की खबर लेने और अर्शी की शादी करवाने में अब कोई भी वक्त नहीं गवाएंगे, क्योंकि सृष्टि को भरत भाई की कही बात पसंद आई है कि अब झनक के ही सामने उनकी भांजी का शादी करना है अन्नी के साथ, वही मंदिर में जहां अन्नी और झनक शादी किए थे पहले, और अब परिवार वालों को बोलती है कि उन्हें भी अब उनके साथ चलना चाहिए श्रीनगर अपने बेटी की शादी जो करवानी है, पर ये मन बनाते हैं कि घर पर किसी को भी नहीं बताना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, बस लाल और बिपाशा साथ चलेंगे। वहीं अब छोटौन अनी को लगाता है फोन और बताता है कि कैसे उसके हरकत के चलते तूफान मचा है घर पर और अब सब पहुंच रहे हैं उसी के पास श्रीनगर अन्नी की शादी करवाने, पर जहां छोटौन अन्नी को अब भी ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो अर्शी से प्यार ही नहीं करता, वरना वो क्यों भागे भागे जाता है हर बार झनक के पास उसे बचाने, वहीं अन्नी ये पूछता है छोटौन से कि वो अर्शी को भी तो नहीं छोड़ सकता ना ऐसे, और जहां छोटौन को समझ नहीं आती कि आखिर अन्नी क्यों अपने दिल की आवाज को नहीं पहचान रहा, वहीं कौन बताए छोटौन को कि अन्नी को ये नहीं पता कि झनक उससे प्यार करती है या फिर एहसान के नाम पर सारे फीलिंग्स हवन कुंड में ही जला जाती है, क्या अन्नी को झनक का इंतजार है कि कब वो अपने दिल की जुबान को पहचानेगी और अन्नी को अपनाएगी, पर अन्नी को क्या पता कि झनक किसी भी रिश्ते में यूं ही घुसना नहीं चाहती, उसे खुद को दूसरी औरत के नाम से नहीं जानने देना है लोगों को, नहीं तो वही हश्र होगा जो उसकी माँ का हुआ था सालों पहले, क्या झनक अपने पिता को कभी जान पाएगी और आगे अब इस कहानी में क्या मोड़ लेगा, देखते रहिए क्या अनी और अर्शी की शादी बिना कोई रुकावट के हो जाएगी मंदिर में, देखते रहिए झनक की अपडेट्स यही इसी चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे सारी अपडेट्स अनी अर्शी और झनक के जीवन की। देख अनी, अभी मैं भी घर पर हूं और बहुत देर तक बात नहीं कर पाऊंगा, अगर कोई आ गया किसी ने हमारी बातें सुन ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसे सुन, अर्शी और उसकी माँ कल श्रीनगर आ रहे हैं और हमारे घर वालों में से भी कुछ लोग उनके साथ आ रहे हैं। पता था मुझे, इसलिए मैं मेंटली प्रिपेयर था आने। अरे अनी, वो लोग वहां झनक को फिर से बुरा भला सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे? झनक ने मुझे नहीं बुलाया, मैं अपनी मर्जी से आया था, उसके बाद भी झनक से कुछ कहा ना तो मैं मैनेज कर लूंगा।